इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं, इंसानों के सामने नहीं हम झुकते। आज तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1.5 महीना हुआ और मुझे ये खुशी है तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिस गड़ी शाह में खुला। I decided to enter the field of politics because I came to the realization that the current politicians could not solve the problems, the various problems in our country, mainly because they were the reason for all our problems. हमें सिर्फ दलेर लोगों की जरूरत है, बुजदिल लोगों की जरूरत नहीं। 3 फरवरी को आपको पोलिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए ना हमारे पास पैसा है और ना गाड़ी। The reason I went into politics was not to just be successful as a politician and be in power. I want a change in Pakistan. We wanted. बिलाशुबा हर इंसान की ज़िंदगी और शख्सियत के अच्छे और बुरे पहलू दोनों होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छाई और बुराई की तरकीब का तनासुब भी मुख्तलिफ हो सकता है और इस लिहाज से किसी भी मशहूर शख्सियत के मद्दाह सरा भी और नाकिद भी मुआशरे का हिस्सा रहते हैं। PTI के चेयरमैन और बानी इमरान खान के चर्चे आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी ज़बान ज़द हर खासो आम है। लाखों लोग ना सिर्फ इनसे वालहाना मोहब्बत करते हैं बल्कि इन्हें अपना रूहानी और नफ्सियाती उस्ताद भी मानते हैं। बिलाशक व तरदीद ये मकाम मुसलसल मेहनत, लगन और खलूस के बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं है, जिससे चेयरमैन PTI की पूरी ज़िंदगी एक इबारत है। इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं कि इमरान खान एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने इब्तिदा यानी क्रिकेट के दौर से ही अपने मुखालफीन के हर अंदाजे और हर पैमाने को गलत साबित किया है। आज हम आपसे इमरान खान से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स का तस्करा करेंगे जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना थे। वालिद की जानिब से इमरान खान का ताल्लुक न्याजी कबीले से है। न्याजी पश्तून लोधी कबीले की जैली शाख है जो यूं तो कम तादाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तूल व अर्ज में फैली है, मगर अफगानिस्तान का इलाका लगमान और पाकिस्तान का इलाका मियांवाली न्याजी कबाइल का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा तकसीम हिंद के बाद मुंबई, दिल्ली, होशियारपुर, जालंधर वगैरह में आबाद न्याजी हिजरत करके मुल्तान, लोधरा और हैदराबाद आकर आबाद हुए थे। इमरान खान की वालदा मुहतरमा हिंदुस्तानी पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुई। तकसीम के बाद इनका खानदान हिजरत करके लाहौर आए। वालदा की जानिब से इमरान खान का ताल्लुक बुरकी कबीले से है। इस कबीले को पाकिस्तान में बुरकी और अफगानिस्तान में बरकी कहा जाता है। बुरकी या बरकी कौम के बारे में दिलचस्प अमर यह है कि इस कौम का ताल्लुक कदीम ईरानी या फारस नस्ल से है। कम तादाद में तो ये कबीला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मगर इनका असल गढ़ अफगानिस्तान का इलाका लोगर है। ये कौम तारीखी एतबार से अपने खूबसूरत नैनो नकूश और बुलंद कद्दोकामत की वजह से मशहूर हैं। साथ ही तारीखी एतबार से इस कौम को बहुत महज़ब और पढ़ा लिखा माना जाता है। सोलहवीं सदी ईस्वी में इमरान खान के पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी बाप की तरफ से आबाओ अजदाद में हैबत खान नियाजी शेरशाह सूरी के खास कमांडर थे। वो बाद में शेरशाह सूरी के हुक्म पर पंजाब के गवर्नर भी बने।
दूसरी तरफ इमरान खान के मैटरनल एंसेस्टर्स यानी वालदा की तरफ से आबाओ अजदाद में पीर रोशान बुरकी वो शख्सियत है जिन्होंने पश्तो अल्फाबेट या हरूफ तहजी की बुनियाद रखी। बुरकी कौम कदीम फ़ारस से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस खित्ते में फ़ारसी अदब और तहजीब के वारिस थे। उन्हें पश्तो ज़बान की रस्म अल-ख़त और हरूफ तहजी तरतीब देने का ज़िम्मा सौंपा गया जिससे आज की मॉडर्न पश्तो लिखत वजूद में आई। एक और फैक्ट ये कि इमरान खान के नाना के भाई का नाम था खान बहादुर मोहम्मद जमान खान बुरकी जिसके नाम पर आज के जमान पार्क का नाम पड़ा है। इसके अलावा शोहरा आफाक लेडी डायना के पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन शोहर डॉक्टर हसनात खान बुरकी भी इमरान खान के कजन हैं। इमरान अहमद खान नियाजी 5 किताबों के मुसन्निफ हैं। इनकी पहली किताब का नाम है ऑल राउंड व्यू जो उन्होंने 1988 में लिखी। दूसरी किताब का नाम है इमरान खान्स क्रिकेट स्किल्स जो उन्होंने 1989 में लिखी। तीसरी बुक का नाम है इंडस जर्नी जो 1990 में लिखी गई। इनकी 1993 में लिखी गई चौथी किताब का नाम है वॉरियर्स रेस और पांचवी किताब का नाम है पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री जो उन्होंने 2011 में लिखी। इमरान खान और बेनज़ीर भुट्टो एक ही वक्त में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्टल में लंच बनाकर स्टूडेंट्स को खिलाया करती थी और इमरान खान ने भी इनके हाथ का बना हुआ खाना खाया है। रूस और यूक्रेन जंग का मामला अभी ताजा है जिसमें इमरान खान बिला वजह सैंडविच बन गए। क्या आप जानते हैं कि 1971 में जिस दिन ईस्ट पाकिस्तान या मौजूदा बांग्लादेश में जंग छेड़ी उस दिन इमरान खान बंगाल से निकलने वाले आखिरी जहाज में अंडर 19 क्रिकेट टीम में प्लेयर की हैसियत से मौजूद थे। इमरान खान के क्रिकेट कैरियर के हवाले से आपको एक और फैक्ट बताता चलें कि 1987 के वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे। ताहम 1992 की वर्ल्ड कप के लिए जनरल ज़ियाउल हक के पुरजोर इसरार पर इमरान खान ने दोबारा टीम की क़यादत संभाली और उसी साल पाकिस्तान ने इमरान खान की सरबराही में वर्ल्ड कप जीता। इमरान खान न सिर्फ अब भी क्रिकेट की तारीख में बेहतरीन ऑलराउंडर हैं बल्कि साथ ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया। 1971 से 1992 तक अपने 21 साल क्रिकेटिंग कैरियर में उन्होंने 88 टेस्ट मैचेस और 175 ओडीआईज खेले। दोनों को मिलाकर उन्होंने 7516 रन्स बनाए और टोटल 544 विकटें ली। टेस्ट बैटिंग में उनका हाईएस्ट स्कोर 136 रन्स और ओडीआई में 102 रन्स नॉट आउट रहा। एक और फैक्ट ये कि एक बार 1987 में नवाज शरीफ जो उस वक्त पंजाब के वजीर आला थे ने अचानक खुद को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वार्म अप मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का कप्तान मुकर्रर किया। नवाज शरीफ कोई खास हिफाजती पैड्स और गार्ड्स पहने बगैर ही क्रिकेट की तारीख के सबसे तेज तरीन बॉलर में से एक के खिलाफ बैटिंग शुरू करने मुदसर नजर के साथ बाहर निकले। इमरान खान को नवाज शरीफ के जख्मी होने का खौफ हुआ और उन्होंने एम्बुलेंस मंगवा ली ताकि किसी नाखुशगवार वाकये की सूरत में नवाज शरीफ को फौरन हस्पताल मुंतकिल किया जा सके। एक वक्त था जब मगरबी मुआशरे में इमरान खान को एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना और पुकारा जाता था जो है तो मुसलमान मगर उसकी जिंदगी में कुछ भी इस्लामी नहीं है। 1995 में जब इमरान खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में प्ले बॉय होने को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई रूहानी शख्सियत हूँ, मैं एक आजिज़ बंदा हूँ।
फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने इमरान खान की जिंदगी पलट दी और वो एक मजहबी शख्सियत बन गए। इनकी वालदा मोहतरमा शौकत खानम की वफात इमरान खान की जिंदगी में बदलाव का नुक्ता आगाज था। जब वो पहली बार अपनी जिंदगी के हकीकी मुराद व मकसद की खोज में लग गए और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा होना शुरू हुईं। इमरान खान 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में टॉप 10 पर हैं। इसके अलावा उन्हें बेशुमार नेशनल और इंटरनेशनल ऑनर्स एंड अवार्ड्स से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ बड़े ये हैं: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉल ऑफ फेम, कीबल कॉलेज ऑनरी फेलो, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन एशियन जेवल अवार्ड्स, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड कुआलालंपुर, जिनाह अवार्ड, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ऑनरी फेलोशिप, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन। इसके अलावा इमरान खान बेशुमार स्पोर्ट्स और नेशनल अवार्ड्स के भी हकदार ठहरे हैं। कॉलेज के दौरान चेयरमैन पीटीआई को बरतानिया के सबसे मोतबर मिलिट्री एकेडमी रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट ज्वाइन करने की दावत दी गई, जो उन्होंने ठुकरा दी और क्रिकेट को एज अ कैरियर चूज करना पसंद किया। मजीद ये कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फलसफा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। क्या आप जानते हैं कि 2004 में इमरान खान और उनकी जौजा जमायमा के बीच तलाक के बाद बरतानवी कानून के मुताबिक जमायमा से इमरान खान को $3 बिलियन मिलना थे। बरतानवी कानून के मुताबिक तलाक के बाद मियां बीवी के सारे एसेट्स इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें दोनों के बीच बराबर तकसीम किया जाता है। चूंकि जमायमा के वालिद जेम्स गोल्ड स्मिथ बरतानिया के जाने माने बिजनेसमैन हैं, लिहाजा उस वक्त $6 बिलियन के असासे जमायमा के नाम पर थे। तलाक के वक्त जमायमा के वकील ने इमरान खान को $3 बिलियन ऑफर किए, जो कि उन्होंने लेने से इनकार किया। ये रकम आज की करेंसी रेट के हिसाब से 750 बिलियन रुपयों से ज्यादा बनती है। सच में इतनी बड़ी रकम को ठुकराने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए।